हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा लोड सेल। लोड सेल एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, जिसका चाहे किसी भी तरीके की कोई इंडस्ट्री हो, चाहे वो शुगर हो, पावर हो, केमिकल हो, या हमारे पर्सनल यूज के लिए हो, हर एक जगह पर वेट मेजरमेंट करने के लिए जिस बेसिक इंस्ट्रूमेंट की, जिस बेसिक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं लोड सेल। और आज हम इसी लोड सेल को कंप्लीट समझेंगे। और इस लोड सेल को कंप्लीट समझने के लिए हमने अपने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। हम आज जो अपना लोड सेल का टॉपिक है, इन 10 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे 10 पॉइंट ये हैं क्या। पहला पॉइंट, सबसे पहले हम समझेंगे कि लोड सेल होता क्या है, वो किस तरीके से वर्क करता है। सेकेंड, लोड सेल कितने टाइप के होते हैं, इंडस्ट्री में अलग अलग एप्लीकेशन की वजह से अलग अलग हमारे लोड सेल यूज होते हैं, और वो कौन कौन से हैं। तीसरा, उनका प्रिंसिपल क्या क्या है। उसके बाद जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक रहेगा, वो होगा हमारा स्ट्रेन गेज लोड सेल को लेकर, जो कि हमारी इंडस्ट्री में 90-80% हमारा जो लोड सेल यूज होता है, वो हमारा स्ट्रेन गेज लोड सेल होता है। और उस स्ट्रेन गेज लोड सेल के टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे 4 वायर, 6 वायर, आपने एक जनरल टर्म से सुने होंगे, तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 7वें नंबर पर डिस्कस करेंगे कि उनका डिफरेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। फिर हम उसकी ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे कि हम ये कैसे पता करें कि कोई हमारा लोड सेल सही है या खराब हो गया है, या उसे अगर सही करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से अपने सर्किट को, अपने लोड सेल को सही करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले को लेके, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोड सेल का जो हमारा एक्चुअल वोल्टेज निकल रहा है हमारे अप्लाइड वेट के अकॉर्डिंग, तो वो हम कैसे चेक करते हैं। और सबसे फाइनल में हम बात करेंगे कंक्लूजन कि कंप्लीट समरी के बाद कौन सा लोड सेल हमारे लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए अपने सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज लोड सेल। लोड सेल हमारा एक ऐसा ट्रांसड्यूसर या एक ऐसी मैकेनिज्म होती है, जो अगर इसके ऊपर अगर हम वेट डालते हैं, तो वो वेट का जो आउटपुट होगा, वो हमारा करंट के फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में, फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में, या प्रेशर के फॉर्म में हमें एक आउटपुट जनरेट करके देगा। तो इस तरीके के ट्रांसड्यूसर को हम लोड सेल बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लोड सेल हमारे कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली हमारे इंडस्ट्री में 5 तरीके के लोड सेल यूज होते हैं। सबसे पहला हमारा जो होता है वो स्ट्रेन गेज लोड सेल, जिसको हम डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है हमारा न्यूमेटिक लोड सेल। दोस्तों, न्यूमेटिक लोड सेल, जैसा कि आप हमारी पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम वेट को अप्लाई करेंगे, तो आप साइड में देख सकते हैं उसका एक नोजल लगा हुआ है, और नीचे से हमारा जो अप्लाइड प्रेशर है वो जा रहा है। जब तक कि हमारे वेइंग स्केल पे कोई भी वेट नहीं रखा है, तो जो नीचे से प्रेशर हम दे रहे हैं, वो नोजल के थ्रू हमारा बाहर जाता रहेगा। जैसे ही हम उस पर एक वेट अप्लाइड कर देंगे, तो वेट के साइड में देखिए, आपको एक नोजल और फ्लैपर दे रखा है। जैसे ही वो नोजल हमारी दबनी शुरू होगी, तो सर्किट हमारा जहां से एयर अभी तक एस्केप कर रही थी, वो सर्किट धीरे धीरे क्लोज होने लगेगा। जैसे ही वो सर्किट क्लोज होगा, तो यहाँ पे हमारा एक लगा हुआ है प्रेशर गेज, तो प्रेशर गेज में हमारा वो इंडिकेशन आ जाएगा कि हमने इतना अप्लाइड जो वेट किया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या प्रेशर है। एक्चुअली क्या होता है, ये हमारा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू नहीं होता है, इसलिए हम हजार्ड्स कंडीशन में, जहाँ कहीं पे हमारा ऑयल इंडस्ट्री है, वहां पर हमें वेट मेजरमेंट करना है, बट वहां पे स्पार्किंग की वजह से कोई हादसा भी हो सकता है, तो इन सब चीजों को बचाने के लिए हम न्यूमेटिक लोड सेल का यूज करते हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा होता है हमारा हाइड्रोलिक लोड सेल। हाइड्रोलिक लोड सेल भी फ्रेंड, जैसा कि आप हमारी पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, अभी एक्चुअली मैं इन सबको जो हमारा जो उनके टाइप्स हैं, उनको तो मैं कम शब्दों में डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक होगा स्ट्रेन गेज लोड सेल, उसे हम डिटेल में समझेंगे। तो जो हमारा हाइड्रोलिक लोड सेल होता है, ये समझ लीजिए एक हमारा एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। जैसे ही हम उस पिस्टन के ऊपर लोड अप्लाई करेंगे, तो वो पिस्टन जो होगा हमारे डायफ्राम पे इफेक्ट डालेगा, और हमारा जो डायफ्राम है, वो सीधे सीधे हमारे जो ऑयल जो हमारा रिजर्वायर टैंक में भरा हुआ है, उस पर प्रेशर डालेगा। जब उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो उसके साथ में फिर से हमारे यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, उससे हमारा इंडिकेशन आ जाएगा। न्यूमेटिक लोड सेल और हाइड्रोलिक लोड सेल, ये इलेक्ट्रिक सर्किटरी के थ्रू यूज नहीं किए जाते हैं, इसलिए इनको हम हजार्ड्स कंडीशन में, हजार्ड्स एरिया में यूज कर सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर पे आता है हमारा कैपेसिटिव लोड सेल। कैपेसिटिव लोड सेल में क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स जो होती हैं, अगर उनके बीच की डिस्टेंस को हम कम करते हैं, तो उसी के साथ साथ हमारा जो है उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से हमारे जो कैपेसिटेंस लोड सेल में
दो प्लेट होती हैं, जैसे ही उसके ऊपर हमने वेट अप्लाई किया, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हमारी कम हुई, उसके अकॉर्डिंग हमारा कैपेसिटेंस चेंज हुआ, और कैपेसिटेंस चेंज होने के साथ साथ हमारा जो वेट अप्लाइड वेट हमने जो यूज किया था उसकी हमें वैल्यू हमारे इंडिकेटर पे कंट्रोलर पे हमें मिल जाती है। उसके बाद हमारा पांचवें नंबर का जो हमारा टाइप होता है वो होता है हमारा पीजो इलेक्ट्रिक लोड सेल। पीजो इलेक्ट्रिक लोड सेल हमारा लगभग हमारा स्ट्रेन गेज लोड सेल के इक्वली होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हमारा स्ट्रेन गेज लोड सेल है वो स्टेबल लोड के लिए होता है। जैसे हमने कोई वेट रख दिया, उसके बाद हट गए हम वहां से और वहां पे हमने देख लिया कि हमारा वेट कितना आया, उसके बाद हमने अपना जो बैग है या कोई भी चीज है वहां से हटा दी। लेकिन अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर एक डायनेमिक लोड, हिलता डुलता लोड आ रहा है, हिलते डुलता आएगा और हिलता डुलता ही हमारा चला जाएगा, तो इस टाइप के जो हमारे जो वेइंग मेजरमेंट करने के लिए जो लोड सेल यूज होते हैं वो होते हैं हमारे पीजो इलेक्ट्रिक लोड सेल। तो ये तो हमारे मेन हो गए टाइप्स, और इसी के साथ साथ हमने इनके प्रिंसिपल भी डिफाइन कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपना लोड सेल, जो स्ट्रेन गेज लोड सेल है ये किस तरीके से वर्क करता है। अब स्ट्रेन गेज लोड सेल में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का यूज करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अगर हम उसे दबाते हैं या खींचते हैं, कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, दोनों की कंडीशन में उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो चेंज होता है। तो यही प्रिंसिपल हमारा स्ट्रेन गेज लोड सेल का होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो उस केस में भी हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो और उस प्रिंसिपल पे हमारा जो आरटीडी है वो वर्क करती है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए सिर्फ स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग के थ्रू जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होगा, उसके थ्रू जो हमारा वेट मेजरमेंट होगा, तो वो हमारा स्ट्रेन गेज लोड सेल के अंतर्गत आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेन गेज लोड सेल जो होता है हमारा वो कितने टाइप का होता है। हमारी इंडस्ट्री में जो दो लोड सेल यूज होते हैं वो होते हैं 4 वायर एंड 6 वायर। ये दो तरीके के हमारे जो स्ट्रेन गेज लोड सेल होते हैं वो इंडस्ट्री में हमारे अवेलेबल हैं। तो इनका अगर हम सर्किट बनाना चाहें तो हमारा इस तरीके से वो सर्किट बनता है। ये हमारा 4 वायर लोड सेल का एक सिंपल सर्किट है। अगर इसको डिटेल में बनाएंगे तो हमारा टाइम भी जाएगा और उसका हमें यहाँ पे इतना ज्यादा यूज नहीं है। तो अगर सिंपल सर्किट की बात करें 4 वायर लोड सेल की, तो इस तरीके से हमारा कुछ बनता है, जिसमें से हम अपोजिट डायरेक्शंस वाले जो हमारे दो पॉइंट होते हैं इनको हम एक्साइटेशन बना लेते हैं। एक्साइटेशन वोल्टेज मतलब जहां पर हम 12 वोल्टेज, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट हम डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग जो उसे प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारा हो गया एक्साइटेशन वोल्टेज। ये हमारा हो गया सिग्नल, सिग्नल वायर या सिग्नल वोल्टेज जो हमें मिलेंगे वो इन दो वायरों से हमें मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 वायर लोड सेल। अगर हम 6 वायर लोड सेल की बात करें तो 6 वायर लोड सेल में क्या हो जाता है, हमारा यहाँ से दो सेंस वायर आ जाते हैं एक सप्लाई के साथ। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोनों ही जो हमारे सेंस वायर आते हैं वो एक्साइटेशन वायर होगा, उसी के पैरेलल में निकल के आते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंस वायर। अब बात कर लेते हैं कि 4 वायर लोड सेल और 2 वायर लोड सेल में जो हमारा डिफरेंस है या बेनिफिट्स है वो क्या है, हम कहाँ पर 4 वायर यूज करें, कहाँ पर 6 वायर यूज करें। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, जब हमारे कंट्रोलर की और लोड सेल की डिस्टेंस अगर हमारी कम है, जहां पर हमारे टेम्परेचर का बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो उस जगह पे हम अपना 4 वायर लोड सेल यूज कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए हमारा कंट्रोलर कहीं दूर रखा हुआ है, लोड सेल हमारी जो मशीन है वो कहीं और रखी हुई है और बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो कंट्रोलर से लोड सेल का एक्साइटेशन वोल्टेज जा रहा होता है लोड सेल के लिए, वो हमारा ड्रॉप होने लगता है। उसके ड्रॉपेज की वजह से क्या होगा, जो हमारा सिग्नल वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज निकाल रहा है, ये भी हमारा ड्रॉप हो जाएगा। तो इस केस में हमारी जो एक्यूरेसी, एक्यूरेट वेट है वो हमें नहीं मिल पाता। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक दो सेंस वायर का यूज कर लेते हैं। ये सेंस वायर क्या करते हैं, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको मेंटेन रखने के लिए वो यहां से एक बूस्टेड करंट या बूस्टेड वोल्टेज प्रोवाइड कराता है हमारे लोड सेल को, जिससे हमारा जो आउटपुट है वो हमारा एक्यूरेट मिलता रहे। बेसिक यही हमारा डिफरेंस होता है 4 वायर और 6 वायर में। इसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों, 4 वायर में जो हमारी केबल आती है वो हमारी टेम्परेचर कंपनसेशन के साथ होती है, क्योंकि उसमें हमारा कोई सेंस वायर नहीं है। अगर हमारा टेम्परेचर की वजह से हमारा रेजिस्टेंस वेरी करता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे आउटपुट वोल्टेज पे आएगा। इसलिए जो
लोड सेल के साथ जो हमारी केबल हमें मिलती है तो उसको कभी भी इंस्टॉल करते टाइम कट नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारी लोड सेल की केबल लंबी पड़ रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसे क्वाइल राउंड करके साइड में ही कहीं टांग देंगे, बट कट नहीं करना है, क्योंकि कट करते ही जो हमारा टेम्परेचर कंपनसेशन फैक्टर है वो हमारा डिस्टर्ब होगा, उसके डिस्टर्ब होने के साथ साथ हमारे सिग्नल वोल्टेज भी कॉम्प्रोमाइज होने लगेंगे। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है 4 वायर और 6 वायर में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रबल शूटिंग की। अब मान लीजिए हमारे पास कोई लोड सेल आया है तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि वो सही है या खराब हो गया, किस तरीके से हम उसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे, कैसे हम उसका रेजिस्टेंस टेस्ट लेंगे। दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई लोड सेल आता है उसके चारों वायर सेम कलर के हैं, चाहे वो रेड हो ब्लैक हो, तो हम ये कैसे रेक्टिफाई करेंगे कि किन दो कंडक्टर्स में हम एक्साइटेशन वोल्टेज देंगे और किन दो कंडक्टर से हम आउटपुट निकालेंगे। तो आइए अब हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि किसी भी लोड सेल के हमारा जो एक रेड वायर प्लस ब्लैक वायर, ये हमारा एक्साइटेशन के लिए हो गया, ग्रीन वायर प्लस येलो वायर ये हमारा सप्लाई के लिए हो गया, जहां से हम लोड सेल का आउटपुट निकालेंगे या जिससे हम अपने लोड सेल का आउटपुट निकाल के अपने कंट्रोलर को देंगे और वो हमारा वेट मेजरमेंट की फॉर्म में हमें एक आउटपुट हमें देगा। तो ये दो कलर कोड हमने इसके लिए माने, ये दो कलर कोड इसके लिए माने। अब एक थंब रूल आप हमेशा के लिए ध्यान रखिए कि जो एक्साइटेशन जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो हमारे सप्लाई रेजिस्टेंस से हमेशा ज्यादा होगा। अब मान लीजिए मल्टीमीटर को हमने रेजिस्टेंस पे सेट किया और उसकी प्रोब हमने रेड और ब्लैक वायर में लगाई, तो उसका रेजिस्टेंस हमें मिल गया मान लीजिए 400 ओम, और हम जब ग्रीन वायर और येलो वायर सप्लाई वाले कंडक्टर को चेक करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस हमें हमेशा इससे कम मिलेगा, मान लीजिए 350 ओम मिल गया। सबसे पहला रूल, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस टेस्ट करते टाइम पे हमें एक्यूरेट मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो लोड सेल है वो सही का वर्क कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस टेस्ट करते टाइम पे अगर हमें इस टाइप के रेजिस्टेंस मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा जो लोड सेल है वो रेजिस्टेंस टेस्ट में पास हो जाता है और लोड सेल हमारा ओके है। अब हम अपने दूसरे प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमें कोई लोड सेल मिलता है जिसके चारों वायर सेम कलर के हैं, तो हम ये कैसे रेक्टिफाई करेंगे कि वो उसके एक्साइटेशन वायर और हमारे सप्लाई वायर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये तो हमारा एक कॉमन ही हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए हमने एक रेड वायर ले लिया यहां से प्लस सप्लाई वायर ले लिया ग्रीन, इसका रेजिस्टेंस जो आएगा ब्लैक और येलो के साथ, रेड और येलो के साथ, ब्लैक और ग्रीन के साथ, इसके जो चार रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली हमारे सेम निकलेंगे। मान लीजिए जो हमने चेक किया उसका आ गया हमारा 325 ओम, किसी का 327 ओम आएगा, किसी का 324 ओम आएगा, किसी का मान लीजिए 322 ओम आया। तो हमारे पास चारों जब कलर सेम थे हमने सभी के सभी रेजिस्टेंस टेस्ट करके देख लिए, तो हम ये चेक करेंगे कि हमारे जो सेम रेजिस्टेंस जो हमें मिल रहा है उनमें कलर कोड क्या है। इससे हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि हमारे एक्साइटेशन वाले वायर और सप्लाई वाले वायर कौन कौन से, उनको हम अलग कर लेंगे और उनको अलग करने के बाद उनका रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। तो जिसमें हमारा ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा उसमें हम अपना एक्साइटेशन वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे और जिसमें हमारा कम रेजिस्टेंस आएगा उसमें हम अपना सप्लाई आउटपुट वहां से लेंगे। तो इस तरीके से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं कि अननोन वायर्स में कौन सा एक्साइटेशन है और कौन सा हमारा सप्लाई वायर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले को लेके। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? अब जैसे मान लीजिए हमारा कोई 50 केजी का वेइंग स्केल था, मैंने उस पे 25 केजी का वजन रख दिया, तो 25 केजी वजन रखने के बाद हमारा एक्चुअल में सप्लाई वोल्टेज जो है, जो आउटपुट वोल्टेज है जो कि हमें मिली वोल्ट में मिलता है, वो कितना मिलना चाहिए, ये फॉर्मूला हमें इस चीज को डिफाइन करता है। तो चलिए अभी फॉर्मूले को समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला जिसके थ्रू हम जो हमारा लोड सेल होता है उसका आउटपुट हम प्रॉपर तरीके से मेजर कर सकते हैं, और वो क्या है, मिली वोल्ट आउट इक्वल्स टू मिली वोल्ट रेफरेंस अप्लाइड वेट अपॉन मैक्स वेट इनटू एक्साइटेशन वोल्टेज। अब इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जब हम किसी लोड सेल को उठाएंगे या परचेज करेंगे तो उसमें कुछ हमारी रेटिंग्स वगैरह लिखी होगी, जैसे कैपेसिटी हमारी दे रखी होगी 50 kg 2 मिली वोल्ट पर वोल्ट,
और जो हमारा एक्साइटेशन वोल्टेज हुआ मान लीजिए वो दे रखा है 12 वोल्ट का। तो अब हम इस रेटिंग वाले लोड सेल पे जो कि 50 केजी हमारा दिखा रहा है, अगर हम इस पे 25 केजी का वेट रखें तो हमारा लोड सेल कितने मिली वोल्ट देना चाहिए। तो आइए हम इस फॉर्मूले में रखकर देखते हैं। तो जो हमारा मिली वोल्ट रेफरेंस है वो ये वाला है, 2 mV/V। तो 2 × अप्लाइड वेट, मान लीजिए हमने 25 kg का अप्लाई किया वेट, जो हमारी वेइंग स्केल है उसकी मैक्स वेट कितना है, 50 kg का हमारा स्केल है, इंटू एक्साइटेशन वोल्टेज हमने कितना दिया, 12 वोल्ट। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 25 × 50, दो दो ये कट गया, तो हमारा आ गया 12 mV आउट। इस वेट को रखने के बाद अगर हम अपने लोड सेल के आउटपुट टर्मिनल को चेक करेंगे तो हमें वहां पे 12 mV अगर मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा लोड सेल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम इस पे 50 kg अप्लाई कर देंगे तो 50 kg अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 24 mV, क्योंकि हमारा 2 mV/V हमारा जो है इसका मिली वोल्ट रेफरेंस है। तो जो हमारा मैक्सिमम जो हमारा लोड सेल का आउटपुट होगा वो 24 mV होगा। अब अगर इसमें हम 0 kg, मतलब हमने वेइंग स्केल पे कुछ भी नहीं रखा और हम अपना इसका आउटपुट चेक करते हैं तो वहां पे हमें 0 मिलना चाहिए, 0 mV। यही जो होता है हमारा ये जीरो बैलेंस, जो कहते हैं ना वेइंग मशीन का जीरो बैलेंस क्या है, जीरो बैलेंस यही होता है। अब आजकल के टाइम पे मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके की मशीन्स आ चुकी हैं, तो हो सकता है वहां पे जो जीरो बैलेंस का जो मिली वोल्ट पॉइंट होता है उसे 1 mV या 2 mV में रखते हैं ताकि जो हमारा सर्किट है वो कंटिन्यू हमारा ऑन रहे, ताकि हम उसे अगर नेगेटिव साइड में भी चेक करना चाहें तो वो भी कर सकें। इसलिए अब हमारी मशीन्स में जैसे जैसे अपग्रेडेशंस आते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही मशीनों में अपग्रेडेशन किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो जो हमारा स्ट्रेन गेज लोड सेल होता है वो इंडस्ट्री में अराउंड 80% यूज होते हैं हमारे, क्योंकि ये सबसे कोरेक्ट होते हैं, सिंपल होते हैं, सस्ते होते हैं, इन सब की वजह से हम स्ट्रेन गेज लोड सेल को प्रेफर करते हैं। अगर हमारे किसी इंडस्ट्री में हजार से एरिया है, केमिकल एरिया है जहाँ पे आग लगने का खतरा होता है, तो वहां पे हम न्यूमेटिक लोड सेल यूज करते हैं। लेकिन न्यूमेटिक लोड सेल के साथ एक लिमिटेशन होती है कि उसका जो वजन होता है, वेट मेजरमेंट कैपेसिटी होती है, वो बहुत ही कम होती है। पीजो इलेक्ट्रिक लोड सेल जैसा मैं आपको बता चुका हूँ डायनेमिक लोड के लिए होता है, ताकि जहां पे कहीं पे डायनेमिक जो कंडीशन बनती है वहां पर भी हमारा एक्यूलेट वेट मेजरमेंट होता रहे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट टॉपिक हमारा लोड सेल को लेके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसको लेके कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।